पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है एक बहुत ही निराले कलाकार की, जिसने बहुत ही कम उम्र में बड़ी मकबूलियत हासिल की और बहुत ही कम उम्र में वो ये दुनिया छोड़ चल भी बसा। नाम विनायक दामोदर कर्नाटकी। अमूमन लोग इन्हें मास्टर विनायक के नाम से जानते हैं। जन्म 19 जनवरी सन 1906 में हुआ, महाराष्ट्र के कोल्हापुर इलाके में हुआ था। विवाह हुआ सुशीला जी से और इस शादी से इन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया नंदा, जिन्होंने आगे जाकर फिल्मों में बड़ी मकबूलियत हासिल की। और तू नहीं जानता कि मैं वही काम करती हूँ जिसकी इजाजत ना हो। दरअसल ये अपने जमाने के सिनेमेटोग्राफर वसुदेव कर्नाटकी के भाई रहे और उनके कजन भाई रहे अपने जमाने के मशहूर मारूफ फिल्म मेकर बाबूराव पेंढारकर। मास्टर विनायक एक्टर और सिंगर बनते उससे पहले इन्होंने प्रभात स्टूडियो के लिए कुछ फिल्मों में काम किया बतौर अभिनेता और गायक। ये बात भी कम लोग जानते हैं, मास्टर विनायक एक टीचर थे और मराठी थिएटर के अभिनेता भी। मास्टर विनायक की जोड़ी बनी उस जमाने की जबरदस्त अभिनेत्री मीनाक्षी शिरोडकर के साथ। मराठी फिल्म रही ब्रह्मचारी, जो कि सन 1938 में आई। ये वो दौर था जब भारतीय सिनेमा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये बात भी गौर करने लायक है कि मास्टर विनायक ने सिर्फ अच्छे नाटक अच्छे गाने ही नहीं बनाए बल्कि कुछ बड़ी अनोखी अभिनेत्रियों को अपनी फिल्म का हिस्सा भी बनाया, जैसे कि शोभना सामंत। अच्छी बात है, मैं आज ही जाकर चौधरी से साफ साफ कह दूंगी कि अरे बाबा, इस लड़के ने मेरा नाक में दम कर रखा है, अब किसी तरह इनकी बात पक्की कर दो तो मेरा पिंड छूटे। शोभना सामंत की पहली फिल्म निगाहे नफरत, जो कि सन 1935 में आई, इसके डायरेक्टर मास्टर विनायक ही थे। यह फिल्म मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में बनी। ये वही शोभना सामंत हैं जिनकी बेटियां नूतन और तनुजा बड़ी जबरदस्त अभिनेत्रियां बनी और नातिन काजोल सुपरस्टार। I believe that whatever we show in our films today is a reflection of society as it is today. ये बात भी गौर करने लायक रहेगी, मास्टर विनायक की अच्छी मित्रता थी मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के साथ। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की जब मृत्यु हुई तब उनकी सबसे बड़ी बेटी लता मंगेशकर के पास मास्टर विनायक पहुंचे और इनके परिवार की मदद की। इन्होंने ही लता जी को पहला मौका दिया था मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में, जिसमें लता जी ने गाना भी गाया था और अभिनय भी किया था। ये बात भी गौर करने लायक है कि सन 1945 में फिल्म बड़ी माँ के लिए लता मंगेशकर जी ने प्लेबैक सिंगिंग की थी। यह फिल्म भी मास्टर विनायक ने ही डायरेक्ट करी थी। अपने नाटकों में भी मास्टर विनायक पूरे जुनून के साथ काम करते। अपनी बेटी नंदा से भी अक्सर कहते कि तुम्हें आगे जाकर बड़ा नाम करना होगा। नाटक में लड़के का रोल देते और नंदा जी कहती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे अभी एक्टिंग नहीं करनी। पर शायद मास्टर विनायक जानते थे कि सारी जिम्मेदारी इनकी बड़ी बेटी नंदा के ऊपर ही आने वाली है, और ठीक वैसा हुआ भी। करना है तुझे जो भी तू वो कर ले खुशी से, आया है जो दुनिया में तो फिर डर न किसी से, ले ले डर न किसी से। जैसा लता मंगेशकर जी के साथ हुआ कि उनके वालिद बहुत ही कम उम्र में गुजर गए, ठीक वैसा ही नंदा जी के साथ हुआ। मास्टर विनायक 19 अगस्त सन 1947 में ये दुनिया छोड़ चल बसे। भारत की आजादी के मात्र 4 दिनों के बाद, इसी वजह से इनकी बेटी नंदा को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना पड़ा। ये बात भी गौर करने लायक है कि फिल्म मंदिर में लता मंगेशकर के छोटे भाई का किरदार नंदा ने निभाया था। इंसान झूठ को लाख सच बना ले, लेकिन न्याय करने वाला भगवान सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है। एक बहुत ही छोटी सी यात्रा जरूर रही मास्टर विनायक की, लेकिन कम उम्र में भी इन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया जिसकी वजह से भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका एक अमर स्थान बन गया। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।